नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, राव साहेब दानवे जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सांसद और विधायकगण, भाई और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे पहले मैं भारत के गौरव, भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक, देश के महान महानायक के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। शिवाजी महाराज की जयंती के एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी पांचवी और छठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। इन नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइन्स के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे चार फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। साथियों, आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। बीते 7 साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, दशकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने, इसको आधुनिक बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। 2008 में इस पांचवी और छठी लाइन की शिलान्यास हुआ था। इसको 2015 में पूरा होना था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग कारणों से लटका रहा। इसके बाद हमने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया, समस्याओं को सुलझाया। मुझे बताया गया है कि 34 स्थान तो ऐसे थे जहां नई रेल लाइन को पुरानी रेल लाइन से जोड़ा जाना था। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दर्जनों पुल बनाए,
फ्लाईओवर बनाए, सुरंग तैयार की, राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास ये है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े, इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। रेलवे कनेक्टिविटी की ही बात करें तो यहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुंबई सबर्बन रेल प्रणाली को आधुनिक और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अभी जो मुंबई सबर्बन की क्षमता है उसमें करीब करीब 400 किलोमीटर की अतिरिक्त वृद्धि हो जाए। सीबीटीसी जैसी आधुनिक सिग्नल व्यवस्था के साथ साथ 19 स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी योजना है। भाई और बहनों, मुंबई के भीतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में, मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो, ये हम सभी की प्राथमिकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मुंबई को नई ताकत देने वाला है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जितने लोग भारतीय रेलवे में एक दिन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भारतीय रेल को सुरक्षित, सुविधायुक्त और आधुनिक बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी इस प्रतिबद्धता को कोरोना वैश्विक महामारी भी डिगा नहीं पाई है। बीते 2 सालों में रेलवे ने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही 8000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। करीब 4500 किलोमीटर नई लाइन बनाने या उसके दोहरीकरण का काम भी हुआ है। कोरोना काल में ही हमने किसान रेल के माध्यम से देश के किसानों को देश भर के बाजारों से जोड़ा है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि रेलवे में सुधार हमारे देश के लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसलिए बीते 7 सालों में केंद्र सरकार रेलवे में हर प्रकार के रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित कर रही है। अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों साल तक इसलिए चलते थे क्योंकि प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक तालमेल की कमी थी। इस अप्रोच से 21वीं सदी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए हमने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। इसमें केंद्र सरकार के हर विभाग, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है। कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी
हर जानकारी हर स्टेक होल्डर के पास पहले से हो, तभी सभी अपने